एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में हम रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। हमने ऑलरेडी रूल ऑफ लॉ के ऊपर दो वीडियोस अटेंड कर लिया है, जिसमें हमने रूल ऑफ लॉ के बेसिक मीनिंग को देखा, साथ ही हमने रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को डाइसी के वर्ड्स में देखा, रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को हमने एडवर्ड कोक के वर्ड्स में देखा। हमने ये भी जाना कि रूल ऑफ लॉ के ओरिजिनेटर के रूप में एडवर्ड कोक को देखा जाता है। तो अगर आप वीडियो में नए हो और रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को आसान भाषा में समझना चाहते हो विथ प्रॉपर नोट्स, तो इन दो वीडियोस को जा करके देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया में हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो क्लियरली रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स को अपने आप में समेटे हुए हैं। जैसे हमारा प्रियम्बल जस्टिस के बारे में बात करता है, इक्वालिटी के बारे में बात करता है, लिबर्टी के बारे में बात करता है, और जस्टिस में भी हम तीन तरह के जस्टिस के बारे में बात करते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इन कंपैरिजन टू ऑल द थ्री विंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। इन तीनों ही बॉडीज के ऊपर कोई है तो वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और इन तीनों ही बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के तहत काम करना होता है, राइट? तो देखो, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के पीसफुल रनिंग के लिए रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। इसलिए आज हम, चूँकि हम एक सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जाने जाते हैं, तो ये रूल ऑफ लॉ की ही देन है कि हम अपने आप में इतना डाइवर्स होने के बावजूद वी आर यूनाइटेड। हम क्या हैं? यूनाइटेड हैं। तो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू रूल ऑफ लॉ। तो हमारे इंडिया में रूल ऑफ लॉ ही चलता है और हम रूल ऑफ लॉ के तहत ही गवर्न होते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21, जो कि कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो इन सारे कंसेप्ट को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है। अगर हम आर्टिकल 14 को देखें तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ का मतलब ही है कि देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, इवन गवर्नमेंट इज बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ लॉ, राइट? तो आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ के कंटेक्स्ट में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है, जिसका मतलब ये, देखो दो वर्ड्स हैं, एक है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब है लॉ इज सुप्रीम एंड नो वन इज अबव द लॉ, एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन
जो कि हायर रैंक का है, हायर स्टेटस को होल्ड करता है, ही इज अ वेल्दी मैन। अगर वो किन्हीं सर्कमस्टांसेस में कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उस ऑफेंस का जो पनिशमेंट है, जिसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दिया गया है, वही पनिशमेंट्स उसे मिलेगा। और अगर एक ऑर्डिनरी पर्सन उन सर्कमस्टांसेस में उसी सेम ऑफेंस को रिपीट करता है तो उसे भी वही पनिशमेंट मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट? ओके, तो अगर आप रूल ऑफ लॉ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करोगे तो वहाँ आप आर्टिकल 14 को लिख देना और आर्टिकल 21 को लिख देना, राइट? ओके, अब देखो, हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, हमारे सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जैसे आर्टिकल 13 है, 14 है, 15 है, 19, 21, 22, 25, 28 एंड 31A। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन्स को कि इन केस अगर उनका फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होता है तो दे कैन डायरेक्टली नॉक द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 के तहत जो सिटीजन्स हैं हमारे देश के, अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। वहीं आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट को एम्पावर करता है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकते हैं, ठीक है? और हम जानते हैं कि 5 तरह के रिट्स होते हैं, अगर आपको इन रिट्स के बारे में जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, ठीक है? सो व्हाट आर द रेमेडीज व्हिच आर अवेलेबल इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स आपके फंडामेंटल राइट्स के रिस्टोरेशन के लिए रिट्स इशू करते हैं। नाउ व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का क्या एक्सेप्शंस है? देखो, चलिए हम रूल ऑफ लॉ के एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। तो आप कैसे लिखोगे? देखो, आप लिखना, इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, जिसमें हम जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमें प्रीएम्बल में देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इन कॉम्पेरिजन टू द थ्री विंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच इज पार्लियामेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इन तीनों विंग्स से ऊपर है कोई चीज़ तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? फिर आप आर्टिकल 14 को डिफाइन कर दोगे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और आप लिखोगे कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर अवेलेबल टू द सिटीजन्स विच आर गिवन इन आर्टिकल 13, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 28 एंड 31A, ठीक है? और वॉट आर द राइट्स विच आर अवेलेबल इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को पावर देता है कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स के रिस्टोरेशन के लिए रिट्स इशू कर सकते हैं। और मेनली हाई कोर्ट्स 5 तरह के रिट्स इशू करता है, ठीक है? ओके, तो जो मेन चीज़ है, देखो, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ रूल ऑफ लॉ?
व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ रूल ऑफ लॉ. सबसे पहला है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स जो हैं आर प्रोवाइडेड विथ सम इम्यूनिटी, आर प्रोवाइडेड विथ सम इम्यूनिटी. ठीक है, और ये जो अंडर आर्टिकल 361 का क्लॉज 2, 361 का क्लॉज 3 एंड 361 का क्लॉज 4, कुछ इम्यूनिटीज अवेलेबल हैं फॉरेन डिप्लोमेट्स को. तो सिंपल रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ, एंड लॉ इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, एंड नो वन इज अबव द लॉ. लेकिन देर आर सम एक्सेप्शंस जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 361 क्लॉज 2, 361 क्लॉज 3 एंड 361 क्लॉज 4 में दिया गया है, जो कुछ स्पेशल इम्यूनिटीज प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को. अभी इन आर्टिकल्स को हम समझ लेंगे. दूसरा क्या है, इम्यूनिटी टू फॉरेन डिप्लोमेट्स, इम्यूनिटी टू फॉरेन डिप्लोमेट्स. देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो इन्हें आप लिख दोगे, इम्यूनिटी टू फॉरेन डिप्लोमेट्स तीसरा, इम्यूनिटी टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को कुछ इम्यूनिटीज मिलती हैं इंक्लूडिंग आर्टिकल 121. ठीक है, आर्टिकल 121 में है जो कि ये कहता है कि डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ सच जजेस इज रेस्ट्रिक्टेड इन द पार्लियामेंट. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ने जो भी कंडक्ट किया इन द कोर्ट, उन कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट में. ठीक है, तो यहां पर देखोगे आर्टिकल 121 क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, रेस्ट्रिक्ट द डिस्कशन ऑन कंडक्ट ऑफ सच जजेस इन पार्लियामेंट. ठीक है, ओके, और फोर्थ वन इज, देखो चौथा यहां लिख सकते हो आप कि फ्यू लॉज ऑफ लैंड, कुछ लॉज हैं जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है. ठीक है, पहला लॉ है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, और पांचवा इसी फोर्थ में ही है आपका, दूसरा NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980. तो दीज आर सम एक्सेप्शंस ऑफ द जनरल रूल ऑफ लॉ. ठीक है, ये सभी क्या हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं. अब देखो अगर हम आर्टिकल 361 को देखें, तो ये जो आर्टिकल 361 है ये बेसिकली आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है उसके एक्सेप्शन की तरह एक्ट करता है. इसमें क्या है, आर्टिकल 361 कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस. प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने ऑफिस में रहते समय, ठीक है, उन्होंने जिन भी पावर्स का इस्तेमाल किया, जो भी ड्यूटीज उन्होंने निभाई,
तो उसके लिए वो क्या है, आंसरेबल नहीं है टू एनी कोर्ट्स, ठीक है। तो स्पेशल प्रिविलेजेस आर गिवन टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। आर्टिकल 361 क्लॉज 2, देखो ये इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, ठीक है। तो आप इन आर्टिकल्स को देख के लिख लेना। आर्टिकल 361 क्लॉज 2 कहता है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाट्स ओवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस। और आर्टिकल 361 क्लॉज 3 कहता है, नो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए कोई भी अरेस्ट का प्रोसेस नहीं अपनाया जाएगा या इम्प्रिजनमेंट का। शैल इशू फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर के ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस कोई भी प्रोसेस फॉर अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट को नहीं अपनाया जाएगा, ठीक है। तो दीज आर सम एक्सेप्शंस, ये सभी क्या हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, राइट। तो ये था एक्सेप्शन ऑफ रूल ऑफ लॉ, जिसमें हमने चार तरह के एक्सेप्शंस को देखा कि प्रेसिडेंट को और गवर्नर को कुछ इम्यूनिटीज प्रोवाइड किया गया है अंडर आर्टिकल 361, 361 क्लॉज 2, 361 क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4। फॉरेन डिप्लोमेट्स को कुछ इम्यूनिटीज प्रोवाइड किया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आर्टिकल 121 के तहत उन्होंने जो भी कंडक्ट किया इन द कोर्ट, उन कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जाएगा इन द पार्लियामेंट। और लास्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 और NSA 1980, ये भी क्या है, रूल ऑफ लॉ के दायरे में नहीं आते हैं। तो आई होप कि रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में और रूल ऑफ लॉ के एक्सेप्शंस को आपने अच्छे से समझ लिया है। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, वीडियोस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।